नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हम लोग हैं IGIMS के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, जहां पर हमारे साथ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेडिकल। धन्यवाद सर। इस महीने 29 सितंबर को जो है वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है, तो हार्ट को स्वस्थ रखने में किडनी का स्वस्थ रहना कितना इम्पोर्टेंट होता है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। हार्ट और किडनी दोनों बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए, और दोनों का बड़ा इंटरकनेक्शन भी है। ऐसा देखा गया है कि जिसकी किडनी काम कम करती है वैसे व्यक्ति की मृत्यु की आशंका हार्ट डिजीज से ज़्यादा होता है। इसलिए किडनी को स्वस्थ रखना हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए किडनी की बीमारियों का दो मुख्य कारण है, एक हाइपरटेंशन है और दूसरा डायबिटीज़ है। तो हर व्यक्ति को नियमित रूप से BP की जांच करानी चाहिए और ब्लड प्रेशर की जांच करानी चाहिए, इससे किडनी के डैमेज होने की आशंका कम हो जाएगी। या किसी भी व्यक्ति के परिवार में किसी को किडनी की बीमारी है, जैसे भाई को है, माता पिता को है, दादा दादी को रहा है, तो वैसे व्यक्ति को भी किडनी की बीमारी होने की आशंका ज़्यादा रहती है। और किडनी की स्वास्थ्य की जांच, किडनी स्वस्थ है कि नहीं, इसके जांच के लिए बहुत सिंपल टेस्ट सब है, जैसे यूरिन, सुबह के पहले यूरिन की जांच कराइए। अगर उसमें प्रोटीन आ रहा है तो आप समझिए कि किडनी बेसिकली एक फिल्टर है बॉडी का, जो वेस्ट सब्सटेंसेस को निकालता है और ब्लड के जो उपयोगी सब्सटेंस है ब्लड में उनको शरीर के लिए बचा के रखता है। तो जब फिल्टर खराब हो जाता है तो प्रोटीन छन जाता है, वो पेशाब से बाहर निकल जाता है। और दूसरा है एक सीरम क्रिएटिनिन या ब्लड यूरिया टेस्ट, ये ब्लड का टेस्ट है, इसके नपवाने से आपको मालूम हो जाएगा कि किडनी स्वस्थ है कि नहीं, किडनी कितना काम कर रहा है। और किडनी अगर सही काम करेगा तो वैसे व्यक्ति को हार्ट डिजीज से मरने की आशंका कम रहती है। सर मेरा एक अगला सवाल आपसे ये है, जैसे लोगों का लाइफ स्टाइल काफी चेंज हो गया है, तो अगर हम डाइट का कितना जो है इस पे असर होता है किडनी को स्वस्थ रखने में, अगर हम लोग डाइट प्रॉपर लेते हैं तो हमारा किडनी क्या ठीक रहेगा और इसका क्या असर पड़ता है? डाइट का बहुत बड़ा असर है, जैसे नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन्स जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर नहीं है। तो नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन्स जैसे मांस, मछली, मदिरा या अल्कोहल, तंबाकू, ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए जितना हो सके, और वेजिटेरियन खाना जो है वो किडनी के लिए स्वस्थ कर है। सर लोगों का वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है क्योंकि वो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, योगा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका किडनी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल, ओबेसिटी बढ़ने से भी किडनी को डैमेज होने का ऐसा देखा गया है कि वैसे लोगों में किडनी की बीमारियाँ ज़्यादा होती है जिनका वेट ज़्यादा होता है, और हार्ट डिजीज भी ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ भी ज़्यादा होता है। तो वेट तो हर तरह से लोगों को, स्वास्थ्य की भी बीमारियां भी होती हैं, तो वेट को तो कंट्रोल में रखना बहुत ही आवश्यक है। सर मेरा अगला और आखिरी सवाल है, अभी जो वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है 29 सितंबर को मनाया जाएगा, इस पे आप खास हमारे दर्शकों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए? भाई दिल तो हर तरह से मजबूत होना चाहिए, दिल को मजबूत रखने के लिए है कि आपका खान पान ठीक होना चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए और मदिरा और तंबाकू से दूर रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मेडिकल माइक में जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी देने के लिए।